देखो बच्चे, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, वो ये भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके तो देखो मैं कुछ फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, देखता हूँ कितना याद है आपको, एक दो क्वेश्चन ट्राई करो। देखो कन्वर्ट 237.78% इनटू फ्रैक्शन, करो मुझे सॉल्व, जल्दी सॉल्व करने वाला मेथड यूज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को ब्रेक करके, बचे फिगर को ब्रेक करके, है ना। निकेत रॉन्ग, बलजोत रॉन्ग, आता हूँ मेरे को सॉल्व करवाता हूँ, देखो तो इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। देखो याद होगा टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई किससे, हाँ कुछ याद नहीं है घर से, कुछ नहीं पढ़ता, दो लाइनें याद नहीं है, दो चैप्टर स्टार्ट करवा तब से लेके। अभी देखूंगा, अभी टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100, जो परसेंटेज लगा हुआ है बच्चे तो ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है, दो बातें अभी तक याद नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देखो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 200% प्लस 37.3/8%, ठीक है। अब 200 का तो 2 हो गया, इसका परसेंटेज पहले क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे, 37.3/8 में 37 इनटू 8 करो, 8 7 56, कैरी कितना हुआ 5, 8 3 24 प्लस 5 29, 296 प्लस 3 कितना होगा 299/8, ठीक है। परसेंटेज रिमूव करना तो डिवाइडेड बाय 100 करो, कैंसिल आउट होगा क्या, कैंसिल आउट नहीं होगा शायद, बजूद का ठीक है 800। अब देखो इनको ऐड कर लो, एलसीएम कितना आया 8 आया, 1600 प्लस 299 तो 1899/8, बलजोत आपका ठीक है बाकी गलत है, ठीक है। सर ये 2.37 गलत है, 2.37 में लिखना ही था फ्रैक्शन, अब आज तक हम फ्रैक्शन में सॉल्व करते आए हैं बच्चे, आगे क्यों इतनी मेहनत करते हो, पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, तो मैंने बोला है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, लिखा हुआ क्या है, ये क्या लिखा हुआ था, कन्वर्ट दिस इनटू, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, आंख कान खुले रखो अपने, ठीक है। चले आगे, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर अब चैप्टर तुम्हें क्या आगे करवाना है, दे रहा हूँ, देना पड़ेगा अभी, पढ़ती हो नहीं। देखो भी व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 12 whole 3/4 परसेंटेज, ठीक है आंसर करो चैट बॉक्स में। श्रीवर्धन राइट, बलजोत राइट, प्रणव राइट, विवेक गलत है बच्चे, निवेद्या रॉन्ग, विवेक और निकेत भी गलत है, निकेत क्या हो, निवेद्या राइट, वैष्णवी ठीक है बच्चे, निकेत हाँ सही है, हाँ वीर का चेक करना, वीर का चेक करते हैं अभी, वीर दीवान ठीक है बच्चे आपका, कुछ ठीक है आपका भी आंसर। देखो बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखो फ्रैक्शन फॉर्म पूछे, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म, निशान सिज प्रेजेंट, ओके विवेक ठीक है। देखो फ्रैक्शन फॉर्म मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, 100 से डिवाइड करना, तो सबसे पहले मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को इंप्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा, 12 होल 48 + 3 51/4, अब ये मिक्स फ्रैक्शन से इंप्रॉपर, मिक्स से इंप्रॉपर में कन्वर्ट किया, परसेंटेज रिमूव करना था, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, मुझे कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं, तो 51/400 आंसर, ठीक है। ठीक है भाई चलो।
convert 0.08 into percentage. बलजोर ठीक है, निकेश ठीक है, प्रणव ठीक है, विवेक ठीक है, निवेद्या राइट, श्रीवर्धन रॉन्ग. ये क्या है श्रीवर्धन, सॉरी राइट राइट आपका भी. वीर ठीक है, वैष्णवी ठीक है, सौर्य ठीक है, कुछ ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है दिव्यांशु ठीक है, क्योंकि 0.08 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 है. डेसिमल कितनी है, दो डी तो दो बीच के बाद डेसिमल लगा दिया तो आंसर कितना हो गया 8%. ठीक है हाँ जी बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. बताओगे क्या होगा, बलजोर ठीक है, श्रीवर्धन ठीक है, निकेत ठीक है, वैष्णवी गलत है, कुछ गलत है, वैष्णवी अगेन रो, वीर गलत है, प्रणव ठीक है, विवेक ठीक है, सौर्य राय कुछ गलत है भाई. देखो सोल्व करवाता हूँ, देखो 12% किसने निकालना, 1200 का, 1200 12% निकालना है. ठीक है दोनों जीरो कैंसिल, 12 × 12 = 144 आंसर, बस इतनी बात थी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80. बताओ चलो, विवेक गलत है बच्चे, बलजोत ठीक है, प्रणव ठीक है, निशांत गलत है बच्चे, दिव्यांशु रोंग और निकेत ठीक है, श्रीवर्धन राइट, वीर ठीक है, सौर्य गलत है, सरुण गलत है बच्चे, निवेद्या ठीक है. देखो देखो सेवन, ये क्वेश्चन क्या था, 7/2% ऑफ 80, 80 का 7/2% है, 7/2 किसका, 80 का परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100. ठीक है सॉल्व करो, 0 0 2 से, ये 2 से कैंसिल, 2 1 7 2 4 जाए, और 4 से 2 और ये 5. ठीक है 7 2 14/5 आंसर. ठीक है हाँ जी चलो आगे, एक क्वेश्चन देता हूँ आपका, लैंग्वेज का ही समझना है, लैंग्वेज समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व है. व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, बताओ लिखो सॉल्व, बस लैंग्वेज है, ये 16 है. निशान ठीक है बच्चे, विवेक ठीक है, बलजोत गलत है, श्रीवर्धन एक मिनट वैल्यू को रुको, हाँ निवेदिता ठीक है, वीर गलत है, प्रणव गलत है, कुछ ठीक है बच्चे, वैष्णवी गलत है, सौर्य बलजोत अभी ठीक है, सौर्य ठीक है, और तुम्हारा आंसर बच्चे श्रीवर्धन ठीक है, दिव्यांशु ठीक है. देखो क्या पूछा इसमें, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ किसका, ऑफ 80, 80 का 16 है वो कितना परसेंटेज है, 80 का 16 कितना परसेंटेज है, 16 किसका, 80 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100. ठीक है अभी इवैल्यूएट नहीं करूंगा मैं, ठीक है 8 × 16 10 × 2 20%, तो 16 होता है वो क्या होता है 20%. एक ऐसे लैंग्वेज का क्वेश्चन और करते हैं, मैं और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ही आपको समझने वाली बात है. If 23% of A is 46, find A. और कुछ नहीं, इजी सा क्वेश्चन है. निकेत गलत है बच्चे, निशांत गलत है, बलजोत ठीक है, निकेत जो दूसरा आंसर अभी भेजा है वो क्या, अभी वो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, निशांत गलत है,
बलजोत आज आया नहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन। दिव्यांशु गलत है, प्रणव ठीक है बच्चे, श्रीवर्धन रॉन्ग, श्रीवर्धन रॉन्ग, सौर्य राइट, श्रीवर्धन नाउ राइट। अब देखो मैं सॉल्व करवाता हूँ, इसने बोला 23% ऑफ ए, किसका 23% ऑफ ए कितना है 46, तो 23% रिमूव करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, किसका ए का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46। अब मैं 100 को उधर जाके क्या करूंगा, ए की वैल्यू निकाल ले, तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 23 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 23 का डबल कितना होता है 46, ए की वैल्यू कितना आ गया मुझे 200 आंसर। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, देखो सिंपलीफाई करना इस बार, 5 1/2 of 240 is equal to 150% of x। तो सिंपलीफाई मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। बलजोत राइट, वेरी गुड, आर्यन राइट, दिव्यांशु रॉन्ग, निशांत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक है, श्रीवर्धन रॉन्ग, निकेत गलत अच्छे, दिव्यांशु रॉन्ग, विवेक गलत है बच्चे, प्रणव ठीक है आपका आंसर, सौर्य गलत है, श्रीवर्धन नाउ राइट, नवेद्या रॉन्ग, वैष्णवी गलत है बच्चे, दिव्यांशु रॉन्ग, वीर गलत है बच्चे, सौर्य रॉन्ग, सौर्य तो परसेंटेज बोल रहे होता हूँ। देखो सिंप्लीफाई करना था मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, वी फॉर मार्क्स पढ़ा है ना सभी ने, 2 × 10 + 1 11/2 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड हो जाएगा उसे, ठीक है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल 3 का देख लो, 3 + 1 = 4 + 2 = 6, तो यस डिवाइड होगा, 3 × 4 = 12 कैरी ओवर, 3 × 4 = 0, 4 × 14 × 2 होता है 880, फिर 2 × 2 = 0, 0 4 × 8 = 4, तो आंसर इज 880। एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस देखते हैं, ताकि बेसिक अच्छा इंप्रूव होगा तो आगे क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आएंगे ना। 3/5 × 1/4 + x = 200% ( 450, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, ठीक है बलजोत ठीक है, निकेत ठीक है, उचे निशांत ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, प्रणव ठीक है, श्रीवर्धन राइट, नवेद्या आपका आंसर भी ठीक है, खुश ठीक है बच्चे, सौर्य ठीक है, चल चलो बच्चे तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले जब ऑफ लिखा होता है ना, ऑफ को उसी टाइम मल्टीप्लाई का साइन करके उसी टाइम सॉल्व करना होता है, ऑफ लिख के नहीं छोड़ना होता, ठीक है। देखो 3/5 ऑफ मल्टीप्लाई 1450, इसको कैंसिल आउट कर लें क्योंकि और कोई वैल्यू है ही नहीं, पर मान लो डिवाइड होता है, डिवाइड पहले सॉल्व नहीं करते, ऑफ वाले वैल्यू उसी टाइम सॉल्व करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 200% परसेंटेज को रिमूव करना है, तो 100 विवेक गलत है, ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई, दोनों जीरो कैंसिल, अब 2 × 450 कितना होगा 900, 450 का डबल होगा, इनको कैंसिल आउट कर लो 5 से, 5 × 2 = 4590, 290 × 3 कितना हो गया, हाँ वेरी गुड 870 + x। अब देखो यार x की वैल्यू उधर ले, x को इधर रखो, बाकी इधर दिया है, देखो इजी है, 870 में कितना ऐड करूं कि 900 आ जाए, तो 30 ऐड कर देंगे बस, ये देखो 870 को राइट साइड लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा उसके, तो x की वैल्यू कितना आ गया 30 आंसर, बस इतना इजी क्वेश्चन था। चलो इरेज करो क्या, चलो नोट करो, ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो फिर,
Find the value of x. Baljot wrong, Pranav right, Navidya right, Srivardhan wrong, Niket galat hai bache, Nishant wrong. Dekho do minute, Sarun galat, Srivardhan now right. Kush theek hai, nahi sorry galat hai bache kush. Baad wala bhi galat hai bhai, bahut zyada galat hai baad wala. Nishant wrong, Vaishnavi wrong, Surya wrong. अभी मैं सॉल्व करवाता हूँ, टाइम कम है हमारे पास, टाइम ओवर होने वाले क्लास का. देखो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 625 इज इक्वल टू 80% ऑफ 1200. तो 80% परसेंटेज के लिए क्या करूँ, 100 से डिवाइड रिमूव करना था, माइनस 310. पहले सॉल्व कर लो, दोनों जीरो कैंसिल हो गया. 12 इंटू 8 कितना होगा, 960 ना, जीरो एज इट इज, माइनस 310. ठीक है, स्क्वायर रूट का एज इट इज 625. अब ये 960 में क्या करो, 310 माइनस करो, कितना बच गया, 650. अब 650 यहाँ आया और ये राइट साइड में 625 आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक बात है. स्क्वायर रूट एक्स कितना है, 25. अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ना कि स्क्वायर रूट x की. तो स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट इधर ले तो स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा उसे, तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625. ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं क्लास में, ठीक है. अभी जो बेसिक आंसर है करोगे अपना सारे, बाय.